हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास ये कृष्ण जी का पोशाक लेकर आई हूँ। ये डिलीट हो जाने के कारण इसे मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। इसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये आस्तीन से, यहाँ से कमर से शुरू हुआ था, लेकिन मैं इसमें आस्तीन का तरीका अलग बता रही हूँ। ये आस्तीन इसमें चूंकि ये 6 प्लाई की ऊन का है, इसलिए आस्तीन में हम यहाँ पर चैन ले लेंगे 11। 11 चैन लेकर इसका आस्तीन हम बनाएंगे। इसे 3 रो में देखिए, 1 2 3, 3 में हम बंद कर दिए हैं, यहाँ से बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर एक रो बिनने के बाद में हम जस्ट डबल कर दिए घर, यहाँ से जस्ट डबल कर दिए, और डबल करने के बाद फिर से एक बार हम डबल कर दिए, है ना। तो इसके बाद फिर अब हम यहाँ फूल बनाना शुरू करेंगे। फूल बनाने के लिए हमें ये फूल बनाना है, तो ये फूल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चैन गिनने होंगे, एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच छोड़कर छठा चैन में हम इस तरह से हुक को डालेंगे और ये फूल 11 बार फंदे लेकर बनाएंगे। ये 11 बार बन जाने के बाद हम फंदे लेंगे और फिर 5 चैन गिनेंगे, 1 2 3 4 5, और छठे में लाकर इसे हम बंद कर देंगे। तीनों को एक साथ गिराकर बंद कर देंगे। और इसी तरह हमें ये एक बार हुआ, दो तीन, 3 बार हमें इस तरह से बनाना है। अब हम फिर से देखिए, एक फूल यहाँ बनकर तैयार हो गया। अब हम फिर से ही फूल को बनाते चले जाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
इस तरह से हम ये फूल इस पूरे रो में कंप्लीट करेंगे। एक दो तीन, इसी तरह देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फूल यहाँ पर बन जाएगा आपका। आप इस तरह से फूल बना लें। अब फूल बनाने के बाद में अब हम आपको यहाँ पर दूसरे कलर से फिर से लगाना बता रहे हैं, ठीक है। इतना ही, तीन ही फूल में हम आपको ये पूरा घेरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, बतला दे रहे हैं। आप इसमें बनाते समय ये पूरे रो को कंप्लीट करने के बाद में फिर आप दूसरे कलर का ऊन को यूज करें। सबसे पहले तो जब हम फिर इधर से पलट कर आएंगे तो हमें इसे इस तरह से एक बार और मिड़ना पड़ेगा, इस तरह से एक ही बार में। इस तरह से आप इसे पूरा मिड़ लें एक बार और, ठीक है। इसके बाद फिर आप दूसरे कलर का ऊन लगाकर आप बिनना शुरू करें। तो मैं दूसरे कलर का ऊन लगाकर बताती हूँ। ये आप मिड़ लेंगे दूसरे रो में, ठीक है। हमें दूसरे कलर का ऊन ठीक बीचों बीच से लगाना है, इस तरह से देखिए, फूल के बीचों बीच से। अगर हमें इस तरह से खुला रखना रहेगा तब फिर हाफ फूल बनाना पड़ेगा, इस तरह का हाफ फूल। लेकिन चूंकि हम इसे जोड़ दिए हैं आपस में, इसलिए यहाँ पर हाफ फूल बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। इस तरह से हम ठीक इसके बीचों बीच में तीन चैन इस तरह बना लेंगे। इसके बाद फूल हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, ये जो तीन चैन हम बनाए हैं इसके ठीक बीचों बीच से फंदे लेंगे और हुक को इस स्थान पर डालेंगे और फिर हम फंदे को खींच लेंगे इस तरह से, टाइट ना रहे वरना फूल सिकुड़ जाएगा, और हम इस तरह से मिड़ेंगे। इसी तरह से करते हुए हमें 11 बार यहाँ पर करना है, ठीक है। ये हमारा फूल यहाँ कंप्लीट हुआ। अब कंप्लीट होने के बाद में हम इसे ठीक बीचों बीच में जोड़ देंगे तीन चैन लेकर, ठीक है। देखिए इस तरह से, अब हम फिर अगला फूल इसी स्थान से बनाएंगे। इस तरह से हम अपना ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो हम यहाँ पर बतलाएं आप लोगों को कि इसे यहाँ एक बार हम इस तरह से चला लेंगे। अभी जो हम बताएं यहाँ पर इस तरह से,
इसमें भी आप लोग यहाँ पर चला लीजिएगा। चलाने के बाद में देखिए ये एक फूल यहाँ बना, अब इसके ठीक ऊपर में बीचों बीच में दूसरा फूल बना, और ठीक इसके बीचों बीच में दोनों फूल के बीचों बीच में एक फूल यहाँ बना। और अगर आप चाहती हैं तो एक छोटा सा जो हम यहाँ तीन चैन रखें बताए हैं ये इस तरह से देखिए यहाँ पर इस कलर में देखिए 1 2 3 यहाँ जो है 1 2 3 ये तीन जो कलर है इसके ठीक ऊपर में आप यहाँ पर बीचों बीच में आप ये छोटा सा फूल बना सकती हैं। देखिए कितने घर का है, 1 2 3 4 5 6 7 सात घर का एक फूल आप बना सकती हैं। अगर चाहें तो नहीं भी बनाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद फिर आप इसमें एक ब्लू कलर से यहाँ पर हम यहाँ फिनिशिंग दे दिए हैं, मिट दिए हैं। एक बार आप इस तरह से चला लें तो आपका ये पोशाक बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस कलर में ये पोशाक पसंद पड़ेगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।